और यहाँ पे लाइक कुछ कुछ चीज़ें मेरी फेवरेट हैं, जैसे कि पनीर, यू नो मेरा फेवरेट है, एंड कड़ी एंड ऑल ऑफ दिस, मुझे पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, पर ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, सो मैं चूज़ भी नहीं कर पा रही हूँ व्हाट शुड आई ईट फर्स्ट, पर बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई थिंक टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। अच्छा अच्छा प्रिंसेस मायरा, जाना चाहेंगे जो आपके किंग है साथ में डैड, तो उनका क्या फेवरेट होगा? लाइक आई विल आस्क यू, गेस करो उनको क्या पसंद होगा पूरे थाली में। पनीर। सर इज इट ट्रू डू यू लाइक पनीर? ट्रू। ओ वाह। अच्छा मायरा, तो पहले कहाँ से शुरुआत करोगे, क्या पहले टेस्ट करोगे? सबसे पहले वैसे मैं एक चीज़ टेस्ट कर चुकी हूँ ऑलरेडी, पर मैं शुरू करूँगी ढोकला। ये गुजराती है, हाँ ढोकला गुजराती। सो हाँ सो वैसे तो मुझे ढोकला इतना पसंद नहीं है, पर आज मुझे महाराजा भोग का ढोकला बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता नॉर्मली। और यहाँ पे बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी अच्छी हैं। अच्छा मायरा, क्रिसमस लंच है, तो कुछ स्पेशल क्रिसमस मेमोरीज शेयर करना चाहोगे? एनी स्कूल मेमोरीज या सेट पर, कुल्फी के सेट पर अगर कुछ क्रिसमस स्पेशल हुआ हो कुछ भी ऐसा? सो क्रिसमस मेमोरीज लाइक एज ए क्रिसमस तो कुल्फी के सेट पे मैंने क्रिसमस मनाया है बहुत अच्छे से, गिफ्ट्स भी मिले हैं मुझे अच्छे अच्छे क्रिसमस के, सबके लाइक सबने मुझे बहुत अच्छे क्रिसमस गिफ्ट्स दिए हैं, तो मैं उनको भी थैंक यू बोलूँगी। और ऐसे कि कुल्फी के सेट के अलावा क्रिसमस मेमोरीज भी हैं मेरे पास एज स्कूल में, जैसे क्रिसमस इवेंट होता है हम वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर एक बहुत अच्छे से सेंटा आते हैं, वो सबको गिफ्ट्स बांटते हैं, पूरा सॉन्ग होता है, डांस होता है, वो सब होता है, तो वो बहुत फन होता है। एंड मुझे याद है कि हर क्रिसमस पे मैं एक चिट डालती थी और उसमें लाइक स्टॉकिंग्स में, एंड उसके बाद मैं सुबह उठती थी और गिफ्ट्स मेरे पास होते थे। एंड अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मुझे पता है वो मम्मा पापा लाते हैं। अच्छा। पहले मुझे नहीं पता था, पर अब मुझे पता चल चुका है। अच्छा, तो वैसे स्पेशल गिफ्ट याद है जो मम्मा पापा ने दिया? हाँ, सांता बन के, सीक्रेट सांता बनकर। हाँ, मैंने मांगा था डॉक्टर सेट। ओ वाह। वो मुझे मिला था, और हाँ वो लाइक मेरा फेवरेट गिफ्ट है क्रिसमस पे। बहुत मैंने बहुत सारे गिफ्ट्स मांगे, ऑब्वियसली बहुत सारे क्रिसमस थे, तो मतलब सबसे बेस्ट गिफ्ट मुझे जो मिला था वो डॉक्टर सेट था। अच्छा, मेरा डॉक्टर बनना था, एक्टिंग से पहले आप भी शायद आपको डॉक्टर बनना था? हाँ, पहले मुझे डॉक्टर बनना था लेकिन अब नहीं बनना। अब मुझे सिंगर बनना है। वाओ, सिंगर बनना है? हाँ। अच्छा, मेरा प्रैक्टिस कर रहे हो सिंगिंग? हाँ करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कभी कभार सिंगिंग करने का। और मैंने एक सिंगिंग की पोस्ट भी डाली थी ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड मैं मायरा थी, तो बहुत सारे सॉन्ग्स मैंने ही गाए थे, सो हाँ। अच्छा मायरा, क्रिसमस प्रिपरेशंस कैसे चल रहे हैं? लाइक घर पे आप बनाते हो, क्रिसमस ट्री सजाते हो या केक डेकोरेट करते हो कुछ भी? सो अभी थोड़ा सा टाइम है क्रिसमस में, तो मैं वैसे डेकोरेशन तो हम चालू करेंगे एंड देन क्रिसमस के दिन पे हम सुंदर से केक बनाएंगे, होममेड केक, क्योंकि बाहर के केक से ज़्यादा अच्छा मुझे होममेड अच्छा लगता है, जो मैं बनाती हूँ तो और मज़ा आता है इसमें। अच्छा मेरा तो फैंस भी वेट कर रहे हो, आप यूट्यूब चैनल में अपना केक पोस्ट करोगे? हाँ, मैंने एक केक पोस्ट किया था, एक पराठा वीडियो पोस्ट की थी, एंड मैंने ऐसे इसको पोस्ट नहीं किया था, पर मैंने एक मग केक बनाया था जो बहुत टेस्टी होता है। अच्छा, स्कूल में क्रिसमस में फ्रेंड्स के साथ कैसे सेलिब्रेट करते थे? सो जैसे कि सुबह सुबह हमारे स्कूल में होता था, वही नॉर्मल सा रूटीन होता था, सबसे पहले असेंबली होती है, तो उस असेंबली में सारे सेलिब्रेशन होता है जैसे मैंने आपको बताया, उसके बाद स्पोर्ट्स होता है, और फिर क्रिसमस के दिन स्पेशली जब लंच टाइम होता है तो बहुत अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, ऐसे ऐसे ग्रुप्स बैठे होते हैं, और सारे लोग हमारे फ्रेंड्स अपना लंच लाते हैं, तो हम शेयर करके खाते हैं, जिसका लाइक कोई केक लाया, कुछ चिप्स, तो ऐसा हमने केक ले लिया, उसने हमारा ले लिया, सो वो सब हम ऐसा करते थे ओनली क्रिसमस या कभी कभी।
अच्छा अच्छा मायरा, इतनी सारी डिश आज पूरी थाली में आपके लिए, ओके? और आपके, हम तो जानते हैं आपने, मतलब आपने बहुत सारे शोज भी किया अब तक, लाइक यू आर टेलीविजन, यू आर अ बिग चाइल्ड एक्टर, सो यू हैव मेनी पीपल अराउंड यू, तो किसको कौन सी डिश डेडिकेट करना चाहोगे? लाइक अगर मोहित सर को अगर कुछ डेडिकेट करना हो इसमें से, तो उनको क्या होगा, आकृति के लिए क्या होगा, या बालवीर में भी आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो उनके लिए कौन सी डिश आप उनको डेडिकेट करोगे? So you can tell Mohit sir, this curry is for you. What about this curry is for you? Or खुशी तो खुशी एकदम मेरी जैसी है, तो हम तो कुछ भी खा लेते हैं, फिर भी मैं दूंगी ढोकला. और ढोकला भी उनके लिए? हाँ, ढोकला उनके लिए, क्योंकि क्योंकि लाइक जैसे हम किड्स होते हैं ना, तो हमको सब पनीर मुझे अच्छा लगता है, पर रोटी सब्जी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, जितना हमें सब फूड पसंद होता है, स्नैक्स टाइप्स एंड वो सब मुझे ज़्यादा, लाइक किड्स को ज़्यादा अच्छा लगता है. हाँ, तो कोई बात नहीं, ये ऐसे ढोकली फॉर यू. सो वंश, दिस इज दाल ढोकली फॉर यू, एंड क्योंकि आप गुजराती हो इसलिए. और हाँ, आई गेस गाजर का हलवा भी है. अदिति दीदी, सो अदिति दीदी के लिए, हाँ अदिति दीदी के लिए चॉकलेट्स खाती हैं, मोहित ने बताया. अदिति दीदी के लिए गाजर का हलवा, क्योंकि उनको स्वीट बहुत पसंद है और वो छुप छुप के चॉकलेट भी खाते हैं, उनको बताना मत, मैंने ऐसा बोला. पर ये उनके लिए, क्योंकि गाजर का हलवा है, उनको स्वीट पसंद है. और नहीं, मेरे सामने उन्होंने कभी नहीं खाया ऐसा कुछ, पर मोहल्बिया ने मुझे ऐसा बताया था. पर रीति दीदी को स्वीट पसंद है, एंड होममेड कैफे एंड वन बीच के, सो वहाँ पे भी बहुत सारा स्वीट आता था, तो उनको स्वीट पसंद है बहुत ज़्यादा. हाँ, अंजलि दीदी, अंजलि दीदी के लिए तो यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि उनको नॉन वेज ज़्यादा पसंद है. फिर भी अगर वेज में उनको कुछ पसंद होगा, उनको भी बहुत पसंद है कड़ी, कड़ी बहुत पसंद है. और दाल, ये दाल है ना, तो उनको दाल बहुत पसंद है. वो सारी चीज़ें राइस के साथ जो भी लाइक कड़ी या दाल वो सब खाती हैं, वो राजमा एंड ऑल दैट, पर नॉन वेज ज़्यादा पसंद करती हैं वो. और आकृति के लिए ये क्योंकि जब भी हमें फ्री टाइम मिलता था, वो सब टाइम बीच में लंच के अलावा फ्री टाइम मिलता था, तो हम ऐसे लाइक यू नो दीज टाइप ऑफ थिंग्स, चिप्स एंड वो सब खाते थे, इसलिए. अच्छा, लास्टली अब अपने मम्मी डैडी के लिए क्या, डैडी के लिए? डैडी के लिए तो मैं बता चुकी हूँ, पनीर, पनीर ऑल फेवरेट. मम्मी के लिए, सो मम्मी के लिए ये स्वीटी प्लाजा, मतलब मेरी मम्मा को भी लाइक चटपटी चीज़ें, समोसा, जैसे कि समोसा टाइप ही समझ लो आप, समोसा टाइप, ढोकला, ये सब बहुत पसंद है, तो इसलिए ये स्वीटी प्लाजा. और ये टेस्ट में भी अच्छा था, मैंने भी ट्राई किया था, तो मुझे भी ऐसी चीज़ मेरे लिए पनीर, कड़ी, दाल, दिस स्वीटी प्लाजा और ये सब कुछ. सो और मैंने ये नहीं दिखाया, मुझे पता नहीं, वेलकम ड्रिंक, या दिस इज अ वेलकम ड्रिंक. और हाँ, सो ये भी मुझे अच्छा लगा. हाँ, स्वीट. इफ यू गेट अ चांस टू बिकम अ सीक्रेट सांता फॉर समवन, किसके लिए आप बनना चाहोगे? सीक्रेट सांता फॉर माय पापा. पापा, व्हाई? बिकॉज़ ऐसा नहीं कि मम्मी ने मेरे लिए नहीं किया है, मम्मी ने भी बहुत कुछ किया है,
पर पापा को मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, वो पुणे में रहते हैं, और सो मैं उनके लिए एक सीक्रेट सांता बनूंगी और कुछ दूंगी ऑब्वियसली। क्या 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 सीक्रेट? वॉच। अच्छा वॉच, वाओ। वॉच सर, समथिंग इज कमिंग फॉर यू। थैंक यू मायरा। और पापा का बर्थडे भी आने वाला है। वाओ, अच्छा। जनवरी, सो हाँ, समथिंग समथिंग। अच्छा सर, शी इज गोइंग टू गिव यू अ वॉच बाय सीक्रेट सांता बनके। Now it's been disclosed also. She will plan, अच्छे से कुछ plan करे। Very true. She always try to do. She on her birthdays and all the events, she always try to give me gifts and wishes. But we are blessed with her. That's the biggest gift. You always been on Pune, like come बहुत। I travel a lot, but these days due to COVID we are working from home, so we are staying together. अच्छा कोविड ने भले मतलब दूर होके भी लोगों को बात लोगों पास पास बुलाया। You get a time to spend with time with Myra. Very true. So how was it like lockdown में किस तरह से आपने? We generally पहले भी हम लोग used to stay together, हम लोग साथ ही रहते थे, but हाँ बीच में एक साल ऐसा आया कि I used to travel a lot Mumbai, Pune and different location. But now we have find out ways to work. So we working from home. और ट्राई करते हैं कि सारा काम फ़ोन पे, ईमेल से ही हो जाए, जूम मीटिंग से हो जाए। तो ये ट्राइंग नाउ कि नया तरीके का काम मेथड करना स्टार्ट करें जहाँ ट्रैवलिंग कम हो जाए और वी सेव लॉट ऑफ टाइम स्टे विद किड्स। अच्छा मायरा, ऑनलाइन की अगर बात करें तो हाउ यू स्टडिंग, ऑनलाइन स्टडीज कैसे चल रही है आपकी? सो ऑनलाइन स्टडीज ऑब्वियसली अच्छी चल रही हैं, इवन मेरे एग्जाम्स भी आ चुके हैं दो बार, एंड माई फाइनल एग्जाम विल कम मे बी इन मार्च या फेब्रवरी। सो अभी मेरे एग्जाम ख़त्म हुआ है लाइक 3-4 days पहले, एंड आई होप अच्छा है कुछ। और ऑनलाइन स्टडीज़ मेरी अच्छी चलती हैं रेगुलरली, बिकॉज जब मैं शूट करती थी, और ऑनलाइन स्टडीज़ मुझे अच्छी भी लगती हैं क्योंकि जब मैं शूट करती थी सो आई कॉन्ट गो टू स्कूल लाइक एवरी डे इन द मॉर्निंग, बट नाउ आई कैन बिकॉज मेरे पास मेरा फ़ोन होगा, टैबलेट होगा एंड एनी थिंग, सो मैं उसको कहीं पे भी कैरी कर सकती हूँ, कहीं पे भी मेरी क्लासेस हो सकती हैं, जबकि मैं स्कूल नहीं जा पाती थी, बट अब मैं स्कूल जा पा रही हूँ लकीली एवरी डे। अच्छा थ्रू ऑनलाइन? या अच्छा हमारा न्यू ईयर प्लान्स कैसे हुई 2020? तो इट्स ऑलमोस्ट गॉन एंड घर पे ही सब ने लॉकडाउन में अपना टाइम। हाँ, बट 2021 से आपको क्या होप्स है? 2021 से मुझे होप है कि COVID-19 का खत्म हो जाए, और होपफुली बहुत अच्छी चीज़ें हों 2021 में, और गॉड मेरी फैमिली को ब्लेस करे, एवरीवन और सब हैप्पी रहें, बस नथिंग एल्स। ओके, पेट भी फुल हो गया एकदम। और मैं राजा भोग में फर्स्ट टाइम आई थी एंड मुझे बड़ा अच्छा लगा, फूड वैरायटीज ऑफ द फूड वो सब, और हाँ मम्मी डैडी को भी बड़ा अच्छा लगा, एंड कुछ नई नई चीज़ें भी थी यहाँ पे जो मैंने कभी ट्राई नहीं की है, वो भी मैंने ट्राई की लाइक ये वाला मैंने कभी ट्राई नहीं किया आज किया। हाँ अच्छा, मायरा फेवरेट कोई मूवी याद आ रही है क्रिसमस की? हाँ, फ्रोजन 1, फ्रोजन 2, क्योंकि आई थिंक फ्रोजन में बहुत विंटर टाइप होता है एंड उसमें ओलफ है, सो यू नो इट्स वेरी स्नोई, और वो बहुत मुझे अच्छी लगती है फ्रोजन, और हर किड की फेवरेट मूवी फ्रोजन होती है, मैं किसी से भी पूछूँ तो फ्रोजन ही बोलते हैं, तो मेरी भी फ्रोजन ही है। अच्छा मायरा, बालवीर मैडम सर, कुल्फी कुमार मैडम सर है ना, बालवीर करने जा रहे हो, योर फैंस आर वेरी मच एक्साइटेड। यस, तो कैसा रोल है आपका और किस बालवीर में? सो बालवीर में मतलब मैं एक आरूही इज माय नेम, मैं तो आपको बता रही हूँ अभी, आरूही इज माय नेम, और मेरा करेक्टर बहुत लाइक आगे जाके कुछ होगा लेकिन वो भी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, एंड और जो आरुही का करेक्टर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल है,
वैसा करेक्टर है, बहुत स्ट्रॉन्ग एंड दैट करेक्टर. हाँ वो किसी से डरती नहीं है. सो हाँ अच्छा सेट पर से अब नए सेट पे नए शो में आपने एंट्री ली है. हाँ तो कितना मज़ा आ रहा है शूट करने में? हाँ शूट करने में बहुत मज़ा आ रहा है. और बारहवीं में बहुत सारे बच्चे हैं, खुशी एंड सिया एंड ऑल द किड्स, वो बहुत अच्छे हैं. मैं जैसे आई तो मेरी 3 फ्रेंड्स बन भी चुके हैं ऑलरेडी, 3-4 फ्रेंड्स बन चुके हैं और भी बनेंगे आगे जाके. हाँ मुझे बहुत मज़ा भी आता है क्योंकि मैंने लाइक क्रोमा पे मैं शूट कर चुकी हूँ एक बार, लेकिन अभी मैंने बहुत ज़्यादा मज़े वाला फैंटेसी शो है आज. सो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, लाइक बहुत सारी चीज़ें होंगी आगे जो आपको दिखेंगी. सो इसलिए मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. अच्छा उड़ने की पावर? तो मैं उड़ूंगी, मैं बर्ड्स के साथ बातें करूंगी और बहुत सारी, मैं बहुत क्लाउड्स देखूंगी, वो सारी चीज़ें इन द स्काई. लास्टली न्यू ईयर और क्रिसमस विश अपने फैंस के लिए? हाँ से मैं बोलना चाहूँगी, As Christmas is coming, so I want you everyone to be happy on Christmas and happy Christmas, happy New Year. मैं चाहती हूँ कि जो नया साल आ रहा है 2021, it will be the happiest year. हम सबको बहुत मज़ा आए, हमारी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें आए, करोना भी ख़त्म हो जाएगा तो, और वो ख़त्म हो जाए और बस सारी खुशियाँ हमारे पास हो. तब तक के लिए बी सेफ एंड हाँ तब तक के लिए, जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक के लिए बी सेफ एंड पुट ऑन योर मास्क. मैंने भी लगाया नहीं है क्योंकि मुझे आपको दिखाना है मेरा फेस, इसलिए. अच्छा लास्टली मेरा एक थैंक्स विद मैसेज टू आशीष सर, आशीष महेश्वरी सर, फॉर होस्टिंग यू दिस रॉयल मील. Thank you so much, Ashish Maheshwari sir, for giving this lovely lunch. Thank you so much. I really loved it. And I hope मैं वापस आऊँगी तो मुझे और भी मज़ा आएगा. Thank you so much.